हेलो, हाउ आर यू। देखिए, यूनिडो एलजी का इसका काम करना है। सेंसर लगा, स्विच लगा और ये पत्ता ख़राब था, तो वो ये भी ख़राब था। ये लगने के बाद में भी तो ये सीपी नहीं छोड़ रहा था, तो रिमोट ठीक से नहीं काम कर रहा था, खाली पावर स्विच ऑन ऑफ मोड काम कर रहा था। तो इसका फिल्टर आईसी रेगुलेटर आईसी जो है 5 वोल्ट छोड़ता है, तो वो 12 वोल्टेज का जो जाता है इसको रिले को, ये जो रिले है इधर, ठीक है, रिले है, तो काम नहीं कर रहा था, सीपी नहीं छोड़ रहा था। तो ये सब चेंज करने के बाद सीपी चेंज किया, ये रिमोट भी काम कर रहा है। देखिए, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ हो रहा है, सब काम कर रहा है, ठीक है। देखिए, फैन पे भी काम कर रहा, फैन 1, फैन 2, फैन 3 सब काम कर रहा, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम हो तो आपका ये इंडो सर्किट है एसी का, तो ये काम कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम था, स्विच लगा और ये सेंसर लगा, वोल्टेज रेगुलेटर ऐसी लगा और पत्ता भी लगा। पत्ता तो ठीक है, साफ करके लगाया, हम नया लगाया था, कल दिया। तो आप इसको जो भी आपका भी सर्किट का सीखना हो, काम करना हो, तो पूछिए, कांटेक्ट नंबर दे रहा तो व्हाट्सएप में बता दें या मेल कर देना, कमेंट कर देना। तो इसका प्रॉब्लम था, सीपी नहीं छोड़ रहा था, सीपी माने कंप्रेसर ऑन नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये काम हुआ तो छोड़ा, कंप्रेसर ऑन करने लगा तो ये वोल्टेज रेगुलेटर लगा और जो फिल्टर आईसी है ना, इसका वोल्टेज ड्रॉप कर छोड़ा था, हीट हो रहा था, तो यहाँ पे लगाया, तो उसको चेंज किया। अभी करंट है ना, उसको मैं हाथ नहीं मार रख सकता, ठीक है, शॉर्ट लग जाएगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।